प्रेज लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। Yeah.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खूबसूरत सुबह में आप सभी लोगों का हम खैर मकदम करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा गयूर खुदा है, प्यार करने वाला खुदा है, अपने लोगों से प्यार करता है, अपने लोगों पर रहम करता है। आज तक वो मेरे और आप पर रहम करता आया, और आज सबसे बड़ा रहम ये है कि मेरे और आपने सुबह की रोशनी देखी है। और जब हमने खुदा की रोशनी देखी है तो क्यों ना हम खुदा के नाम को मुबारक कहें, क्यों ना हम खुदा के नाम को बुलंद मुबारक करें। यीशु मसीह दुनिया में आया, बहुत सी चीज़ें कही जाती, यीशु मसीह इसलिए आया, यीशु मसीह इसलिए आया, यीशु मसीह इसलिए आया, लेकिन उसने इस दुनिया में आकर मेरे और आपके लिए एक सबक दिया है। और उसने वो सबक मेरे आपको ये दिया है जो कि पौलुस ने बयान करा, रोमियो की कलीसिया को लिखा, 12वां बाब आप खोलिए और उसकी 13वीं आयत में, मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, यानी एहतियाजें मीन्स जरूरतें। खुदा ने जो पुराने नियम में बताया है कि खुदावन के खादिम, खुदावन के लोग यानी लेवी लोग कोई काम ना करें, उनकी ज़रूरतें तुम पूरी करो। और पौलुस ने रोमन कलीसिया को एक बात लिखकर बहुत अच्छे तरीके समझाया, और यह समझाया कि तुम मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, रफा करें दूर करना। हम खुदा ने हमें इसलिए भेजा दुनिया में कि जो खुदा खादिम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हम उनकी एहतियाजों को जाने और उनको रफा करें, यानी उनको पूरा करें। क्यों? खुदावन के खादिम खुदा के लोग सिर्फ खुदा की खिदमत करते हैं। मेरा और आपका फर्ज है कि हम उनका ख्याल रखें। और आगे लिखा है, रफा करो और मुसाविर परवरी में लगे रहो। हम खुदावन के लोग हैं, हम खुदावन के लोगों का ख्याल रखना शुरू करें। हम मुसाफिर परवरी में लगे रहें और देखें कि हम किस तरीके से खुदा के लोगों के लिए कुछ खर्च हो सकते हैं। जब खुदा का खादिम ये कह रहा है पौलुस, तो उसने पहले तो वो पकड़वाया करता था, पहले तो वो जेल खाने में डाल दिया करता था, पहले तो वो खुदा के लोगों की मौत पर खुश हुआ करता था, लेकिन अब वो खुदा के लोगों की इज्जत करने लगा, खुदा के लोगों को सराहाने लगा। मेरे और आपके लिए भी यही है कि हम मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करें और मुसाविर परवरी में लगे रहें, खिदमत करने में लगे रहें, खुदा के लोगों का ख्याल करें। आपको याद है खुदावन यीशु मसीह एक दिन कलाम सुना रहे थे, और जब शाम हो गई, धुंधला का छाने लगा, तो शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि तू इन लोगों से कह ये अपने घर चले जाएं। बड़ा आसान है ये, जब हम लंबी लंबी मीटिंग्स करते हैं, दो दो घंटे तीन तीन घंटे इबादत होती है, लोग दूर से आते हैं, तो उनका जाने का ख्याल हमें रखना है। हमारे चर्च के अंदर हर इतवार खुदावन के लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है। दूर दूर से आते हैं, गरीब लोग आते हैं, 2 बजे 3 बजे घर पहुंचेंगे, क्या तब खाना बनाएंगे? ABC शकरपुर उनके लिए खाने का इंतजाम करता है। ये चीज़ हमने खुदावन सीखी कि उसने 5,000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाया। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से लेंगे? यही बात मेरे और आपके जहन में भी होनी चाहिए कि हम खुदा के लोगों की परवरिश करें। खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे बहुत अच्छी कलीसिया दी है जो इस काम में मेरा हाथ बढ़ाती है, अब मेरे हाथ को बांटती है, मेरे साथ मदद करती है खुदा के लोगों के लिए। मालूम क्यों कह रहा है? क्योंकि पहला पतरस 4:9 में मुसाफिर परवरी का एक तरीका है। जब हमारे घर में कोई आता मेहमान, थोड़ा सा देखिएगा, लो बैकग्राउंड में जाइएगा, तो हम उनके ख्याल तो रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें जहन में होते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, उन्हें अपने घर में ठहराते तो हैं, लेकिन एक जहन में होता है, पूछते हैं एक दूसरे, कब जाएगा, अब इनके लिए ये करना पड़ेगा। लेकिन पतरस ने लोगों को सिखाया, पहला पतरस 4:9 आए थे, बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो। जब हम बगैर बुड़बुड़ाए ये काम करेंगे तो खुदावन बहुत खुश होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है हिब्रू के 13 बाब और उसकी 2 आयत में, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। बहुत बार कोई हमारे घर पे आता है तो हम शायद अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, शायद हमारा रुख बदल जाता है। बाइबल बताती है मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी करी। खुदा बाप मेरा आपको बताना चाहता है कि हम इस बात से गाफिल ना रहें। दुनिया के बहुत से लोग शायद किसी को अपने घर में बुला तो रहते हैं, लेकिन उस तरह की मुसाफिर परवरी नहीं करते जैसा खुदा चाहता है।
शायद वो एक रात में या एक दिन में उकता जाते हैं और अगले दिन सोचते हैं किसी तरह ये चले जाएं। शायद उनके सामने बहाने मारते हमने वहां जाना है, हमने वहां जाना है, इसलिए कि वो ज्यादा दिन ना रुक पाए। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम इस बात से गाफिल न रहो कि बहुत से लोगों ने जब लोगों की मुसाफिर परवरी करी तो उन्होंने फरिश्तों की मदद करी है। यीशु मसीह एक दिन खुद कह रहे थे, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए। देखिए मुसाफिर परवरी किसे कह रहे हैं, मैं बेघर था तुमने घर में उतारा, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं कैद खाने में था तुम मुझे देखने आए। तो धर्मी लोग कहेंगे कब भूखे थे आप, दाएं हाथ वाले जो भेड़ हैं वो कहेंगे आए खुदावन तू कब भूखा था, आए खुदावन तू कब प्यासा था, कब नंगा था, कब बीमार था, कब बेघर था, कब कैद खाने में था। तो यीशु मसीह कहने कहा तुमने इन छोटों के साथ करा तो मेरे साथ करा। देखिए आप जब खुदा के लोगों की मुसाविर परवरी करते हैं तो मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा है, खुदा ने अपने कलाम में लिखा है कि मैं किसी का उधार नहीं रखता हूं। अगर आपके खुदावन के लोगों के लिए 5,000 खर्चा करें तो खुदा बाप आपको 5,00,000 देने को तैयार है, लेकिन बगैर कुड़कुड़ाए, बगैर तकरार के, बगैर शिकायत के। आप मुसाफिर परवरी तो करते हैं लेकिन चुनिंदा चुनिंदा लोगों की, आप अपने जो जश्न में लोगों को तो बुलाते लेकिन उनको भूल जाते जो छोटे हैं। शायद आपके दिमाग में ख्याल होता है जहां पर मैं ये काम कर रहा हूं वहां पर मेरा बहुत रुपया खर्च हो रहा है, मैं इन छोटों को बुलाऊंगा तो मुझे क्या हासिल होगा। कभी भी कुछ किसी को खाना खिलाएं, कभी किसी को भी अपने घर में उतारें, कभी किसी का ख्याल रखें तो यह मत उम्मीद करिए मुझे क्या मिलेगा। बगैर उम्मीद के, बगैर लाभ के, बगैर फायदे के आप खुदावन के लोगों की खिदमत करना शुरू करें। मेरा और आपका काम है, खुदा ने मेरे और आपको अपनी कौम में रखा इसलिए है कि मुसाफिर परवरी करें। देखिए बाइबल में लिखा है एक शख्स ने यीशु मसीह को दावत दी, उसे खाने पे बुलाया, उसे खाने पे बुलाया। और दस्तूर था जब कोई आता था उसके पांव धोते थे, उसके हाथ धुलाते थे, तब उसे खाने की मेज पे बिठाते थे। इसने खाने पर तो बुला लिया, शायद यहूदा इस्करियोती का दोस्त था इसलिए बुला लिया। और यूं लिखा कलाम में वहां पर एक औरत आई जो कि बच्चेलन थी, वो आके यीशु मसीह के पांव पे बैठ कर रोने लगी और इतने आंसू बहाए, इतना रोई कि उसने यीशु मसीह के पांव अपने आंसू से भिगो दिए और अपने बालों से उसने यीशु मसीह के पांव पोंछ डाले। मालूम है जिस शख्स ने बुलाया था क्या कह रहा था, अगर ये नबी होता या ये खुदा खादिम होता तो पहचान जाता ये औरत कैसी है। यीशु मसीह ने फट उसके दिल का हाल जानकर उसको जवाब दिया, आयशमाउन जिसके गुनाह थोड़े हैं और जिसके गुनाह ज्यादा और दोनों को माफ कर दिए जाए तो किसको खुशी होगी कि वो ज्यादा वाले के नहीं, ये वही औरत है। मैं तेरे घर में आया तूने मेरे पांव तक नहीं धोए, मैं तेरे घर में आया तूने मुझे हाथ धोने के लिए पानी नहीं दिया और ना पहुंचने के लिए तौलिया दिया। इस औरत ने आंसू से मेरे पांव भी हो दिए, इस औरत ने अपने बालों से मेरे पांव को सुखाया। खुदा बाप आज आपको बताना चाहता है हम मुसाफिर परवरी में लगे रहे, पता नहीं कैसा वक्त आपके साथ आ जाए। जब आप मुसाफिर परवरी में लगे रहेंगे तो भला आपका होगा, अगर नहीं लगे रहेंगे तो नुकसान भी आपका होगा। कलाम में लिखा लूका के 16 बाब में कि एक अमीर आदमी था और एक गरीब आदमी लाजर था, वो गरीब आदमी लाजर अमीर आदमी के देवड़ी पे डाला गया, यानी आंगन पे डाला गया। और इसलिए डाला गया कि जो रोटी के टुकड़े इसकी मेज से गिरते हैं दस्तरखान से वो इसको खाने को मिलेंगे। अगर कोई आपके आंगन में बैठा है, पड़ा है, लेटा है तो आपका फर्ज तो बैठता है ना कि आप उसका ख्याल रखें। इसने उस आदमी की मुसाफिर परवरी नहीं करी, इसने उस आदमी का ख्याल तक नहीं करा, उसके घाव को कुत्ते चाटते थे। ये आदमी बहुत रईस था, ये नहीं कि बहुत गरीब था, इसे खाने के लाले पड़ रहे थे, बस इसके दिमाग में था वो छोटा आदमी है, वो बीमार आदमी है, घिन आती होगी उसके पास जाते हुए। इसने मुसाफिर परवरी नहीं करी। और आपको पता जब मर गया तो इसने जहन्नुम में आके खोली, जब जहन्नुम में आके खोली तो उसी आदमी को उसने इब्राहिम को गोद में देखा, अब कहने लगा, नीचे तो उसके घाव थे ऊपर बिल्कुल ठीक हो गया,
जब हम यहां से बदल जाएंगे आसमान में, हम बदल जाएंगे। ये नहीं पता हम क्या होंगे, पौलुस की तरह मैं भी कहना चाहता हूं मुझे नहीं पता कि हम क्या होंगे, लेकिन इतना जरूर है हम बदल जाएंगे। और अगर मुसाविर परवरी करेंगे तो इब्राहिम की गोद में बैठेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अधोलोक के फाटक हमारे लिए खुले हुए हैं। तभी तो खुदा का बंदा कहने लगा मुसाफिर परवरी में लगे रहो। पता नहीं हम दुनिया की सब बातों में लगे रहते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम देखिए हम जानवर को खाना खिलाते हैं, अच्छा काम करते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा, ठीक है अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिसके घर में खाना नहीं क्या हम उसके यहाँ खाना पहुँचा देते हैं? इसे मुसाफिर परवरी कहते हैं। देखिए हम अक्सर उनका ख्याल रखते हैं जिनको हम जानते हैं। शारपत के जंगल में वो बेवा जब लकड़ी बीन रही थी और कह रही थी मैं लकड़ी बीनने इसलिए आई हूं कि घर जाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे मटके में एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, फिर हम मर जाएंगे। जब हालात आपके घर के इतने खराब हों तब मैं आप भी समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कौन दूसरे की मुसाफिर परवरी कहेगा कि वो करेगा और कहेगा मेरे तो घर में खुद ही नहीं है खाने को, मैं कहां से तुझे खिलाऊं। लेकिन एलिया ने कहा आई बहन पानी तो ला रही है, थोड़ा एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना। तब उसने रुक के कहा मेरे मटके में एक मुट्ठी आटा है, लेकिन एलिया ने कहा पहले मुझे ला के दे, पहले मुझे ला के दे। अब उस औरत का दिल सोचिए क्या कर रहा होगा, लेकिन वो ये बात जानती थी मुसाफिर परवरी में लगे रहो और गाफिल ना हो, क्योंकि बहुतों ने मुसाफिर परवरी करके फरिश्तों की खिदमत करी है। वो गई रोटी लाई बना के एलिया को दी। आपको पता है क्या हुआ जब उसने मुसाफिर परवरी करी बगैर शिकायत कहे? कहीं नहीं लिखा कि आपको पता है मेरी आखिरी रोटी है, मैं और मेरा बेटा भूख से मर रहा है और अब तुम रोटी मांग रहे हो। कोई तकरार नहीं, कोई बुड़बुड़ाना नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो कलाम में लिखा 3.5 साल तक उसके मटके का आटा खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप मुसाफिर परवरी में लगे रहेंगे आपकी थोड़ी चीज हमेशा के लिए बन जाएगी जो कभी कभी खत्म नहीं होगी। आपका जेब का रुपया खत्म नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस खत्म नहीं होगा, आपके बच्चे तरक्की करते चले जाएंगे। उस औरत का बेटा नहीं मरा, वो खुद नहीं मरी। और बाइबल तो ये लिखा वो घराना जो छोड़ के चला गया था फिर वापस आ गया और 3.5 साल तक उन्होंने उसके घर से रोटी खाई। सिर्फ खुदा उन्हें चाहता है मुसाफिर परवरी में लगे रहें और गाफिल ना रहें, क्योंकि ऐसा करके बहुतों ने बरकतें पाई हैं। मैं भी चाहता हूं कि आप और मैं भी बरकत पाए, तो खुदावन मेरा आपको बरकत दे। मैं आपके आगे एक आयत पढ़ता हूं, 1 करिन्थियों 9 बाब और उसकी 12वीं आयत में, जब औरों का तुम पर यह इख्तियार है तो क्या हमारा इससे ज्यादा ना होगा? लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हुए, ताकि हमारे 22 मसीह खुशखबरी में हर जना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बानगाह की खिदमत गुजार हैं वो कुर्बानगाह के साथ हिस्सा पाते हैं। खुदा बाप मेरा आपको बताना चाहता है कि खुदावन के खादिम लोग जिनको खुदा ने तैयार करा है, जिनको खुदा ने अपने लिए चुना है, खुदा का बाप बता रहा है कि तुम उनकी मुसाफिर परवरी करो। देखिए 2 बहनें थीं, एक भाई लाजर था, उन्होंने यीशु मसीह को न्योता दिया, यीशु मसीह उनके घर में आया, तो मार्था ने मुसाफिर परवरी में कोताही नहीं बरती, वो उसके लिए खाना बना रही थी, जबकि उसकी बहन उसके कदमों में बैठ के खुदा कलाम को सुन रही थी। हम मुसाफिर परवरी में लगे रहें ताकि खुदावन हमको बरकत दे, और ऐसी बरकत दे कि हमारे जरिए से लोगों की एहतियाजें रफा हो सकें। आइए मैं आपको एक आयत के मैं लिखता हूँ, इब्रानियों किताब है 6 बाब है और उसकी 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, जब हम खुदा के लोगों का ख्याल करते हैं, जब हम खुदा के खादिम का ख्याल रखते हैं, जब हम खुदा के बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो खुदा कलाम यूं बता रहा है, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं कि जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। खुदा बाप आप जो खुदा के लिए कर रहे हैं, आप जो खुदा के लोगों के लिए कर रहे हैं, खुदावन उस काम को नहीं भूलता। आपको याद होगा एलीशा जब कभी जाता था विजिट करने, तो एक औरत ने उसे अपने घर पे बुलाया, कुलीन स्त्री थी, उसने उसे अपने घर पे बुलाया और उसे खाना खिलाया और ये कहा जब जब आओ तो हमारे घर आना। हम भी बहुतों के घर जाते हैं
बहुतों को लोग हमसे कहते हैं कि आप हमारे घर जरूर आया करिए। देखिए उसने अपने आदमी से कहा, एलिशा मुझे खुदा का खादिम लगता, खुदा का बंदा लगता है, क्या आप इस तरीके की मुसाफिर परवरी करेंगे जैसे उस कुलीन स्त्री ने करा? मालूम क्या करा, अपने आदमी से कहने लगी कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा खाली पड़ा है, क्यों ना हम इस खुदा के बंदे के लिए वहाँ पे एक घर बना दें, उसमें चारपाई डाल दें, उसमें शमादान लगा दें, उसमें कुर्सी और मेज़ रख दें ताकि जब भी आए तो उसमें ठहरा करें। आदमी ने कहा, जी ठीक है, अरे बिल्कुल ठीक करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बार बहुत घर में आदमी राजी होता है तो औरत राजी नहीं होती, औरत राजी होते तो आदमी राजी नहीं होता। लेकिन उन दोनों ने एक सलाह करी और खुदा के खादिम के लिए ऊपर ठहरने का इंतजाम करा, और जो ऊपर ठहरने का इंतजाम करा उसकी मुसाफिर परवरी करी। तो आपको याद होगा कि एक दिन उसका बेटा मर गया, मुसाफिर परवरी का सिला उसको मिला कि एलिशा ने जाके उसके बेटे को जिंदा कर दिया। हम मुसाफिर परवरी में लगे रहे तो खुदा ने आपको बरकत दे। एक बार एक खुदा का बंदा दाऊद ने एक दिन अपने 10 नौकरों को भेजा कि भाई एक काम करो, तुम नाबाल के पास जाओ और उसे इस तरीके से बोलो, और कहा कि तुम जाओ मेरे नाम लेके उसे सलाम कहो और खुशहाल आदमी से, यानी पहले सैमुएल 25 बाब की 6 से पढ़ रहा हूं, और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल इस बाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे हाँ बाल कतरने वाले हैं और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब तक वो करमेल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज खोई ना गई। तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे, बस इन जवानों पर तेरी करम की निगाह हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन में आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादिमों को दे दे और अपने बेटे दाऊद को अता फरमा। मौका मिले था मुसाफिर परवरी करने का और वो मुफ्त में तो मांग नहीं रहा था, उसने कहा हम तेरे ख्याल करा, हमने तेरी मदद करी, आज हमें कुछ जरूरत है तो कुछ दे दे, ढेर सारा है, ऐसा नहीं है कि नहीं था। मालूम कि क्या जवाब दिया, सो दाऊद के जवानों ने जाकर नाबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कही और चुप हो रहे। नाबाल ने दाऊद के खादिमों को जवाब दिया, दाऊद कौन है? बहुत बार हम अच्छे वक्त में खराब वक्त को भूल जाते हैं। खुदा ने हमारे खराब वक्त को टाला और हमें अच्छा बनाया है, और जिसके जरिए से बना हम उसे भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी को बदला और आज यीशु मसीह मेरे और आपसे कुछ चाहता है, तो हम भूल जाते हैं। हम अपने बच्चे याद रखते हैं, अपने माँ बाप याद रखते हैं, अपने भाई बहन याद रखते हैं, अपने पड़ोसी को याद रखते हैं, अपने रिश्तेदारों को याद रखते हैं। और नाबाल कहने लगा, दाऊद कौन है और यसई का बेटा कौन है? इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं, क्या मैं अपनी रोटी और पानी और जबा जो मैंने अपने कतरने वालों के लिए जबा किए हैं लेकर उन लोगों को दूं जिनको कि मैं नहीं जानता? बहुत बार हम, ये होता है, हम उसको देते हैं जिसको हम जानते हैं, हम उसको देते हैं जिससे हमारी दुआ सलाम होती है, हम उसको देते हैं जो हमारी जी हजूरी करता है, हम उनको नहीं देते जिनको हम जानते नहीं है। नाबाल का यही सवाल, नाबाल का ये जवाब उसके लिए मुसीबत का कारण बन गया। ऐसा नहीं नाबाल के पास नहीं था, बहुत बार उस औरत के पास तो आखिरी रोटी थी तब उसने मुसाफिर परवरी करी, उस आखिरी रोटी के जरिए से उसने खुदा के खादिम को दिया तो खुदा ने उसको संभाल कर रखा 3.5 साल तक, तो वो बिल्कुल जिंदा रही, ना वो मरी, ना उसके बेटा मरा, ना उसका घराना मरा। लेकिन सुनिएगा, ऐसा नहीं नाबाल के पास नहीं था, जब उसकी औरत को मालूम हुई तो उसने मालूम क्या करा, उसने तब अबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां, उसने कुछ मांगा था, वो 200 रोटियां और मे के 2 मशीदे और 5 पकी पकाई भेड़े और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 1 से खोशे और इंजीर की 200 टिकियां साथ ली और उनको गधे पर लाद लिया और अपने चाकरों से कहा, तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। और उसने अपने शोहर नाबाल को खबर नहीं, उसे मालूम है उसका आदमी बेवकूफ है, ये औरत मुसाफिर अरवरी में नंबर 1 थी, नाबाल इसका कहीं बहुत दूर था इससे। इस औरत ने जाके अपने आदमी की जान को बचा लिया, क्योंकि दाऊद ने कहा था सुबह होने तक नाबाल का एक भी दिन नहीं बचेगा।
जब आप मुसाफिर परवरी में लग जाते हैं तो आप अपने आदमी अपने बच्चों को बचा लेते हैं, अपनी औरत को बचा लेते हैं। मुसाफिर परवरी में लग रही है, ताकि खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद ना होने दे। तो खुदा बाप चाहता है कि हम, खुदा बाप बेइंसाफ नहीं है जो हमारे काम का सिला हमको ना दे। थोड़ा सा आप सोचिए, आप आज खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। रसूलों के अमल 28:1-2 में पौलुस की मुसाफिर परवरी करी गई, उसका खास ध्यान दिया गया। और बाइबल बताती है हाकिम होने के बावजूद भी उसकी नहमिया की मुसाफिर परवरी करी गई। और बाइबल में यूं लिखा है कि खुदा ने अपने लोगों को बरकत दी। और यूं बाइबल बताती है कि शाह अदोम ने जब मुसाफिर परवरी करनी करी हलाक हो गया, नाबाल हलाक हो गया। लेकिन खुदावन मेरे और आपको हलाक नहीं करना चाहता। खुदावन चाहता है हम खुदा के लोग खुदा के लिए खर्च हो और खुदा के नाम को जलाल दें। आप भी मुसाफिर परवरी करिए। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो यूं क्या लिखा है कि खुदा का बेटा किसी की खिदमत लेने नहीं आया है बल्कि खिदमत करने आया है। तभी लिखा उसे आसमानी मुकामों में वो जगह मिली जो किसी को नहीं मिली गई थी। खुदा ने उसको अपने दाहिने हाथ पर बिठाया है। अगर आप भी खुदावन यीशु मसीह की तरह ये कहेंगे खुदा ने मुझे खिदमत के लिए भेजा है, आप पूछिए खुदा के खादिम से कि मैं कैसे मुसाफिर परवरी करूं, मैं किन का ख्याल रखूं। बहुत से बच्चे बेचारे अपाहिज हैं, बहुत से बच्चे अनाथ हैं, बहुत सी बेवाएं हैं, बहुत से ओल्ड एज में। मेरा और आपका जाति फर्ज है कि हम उनका ख्याल रखें। जिस तरह आपसे हो सके आप उनका ख्याल करें तो खुदावन आपको बरकत देगा। खुदावन आपकी जिंदगी को कोता नहीं होने देगा और आप बरकत पाएंगे। आपकी मुसाफिर परवरी आपके बच्चों के लिए बरकत का वसीला बनेगी। आइए अब दुआ करें। खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने एक बार फिर हमें सिखाया है कि हम मुसाफिर परवरी में लगे रहें। जिस तरह तूने दुनिया में आकर लोगों की खिदमत करी है, हमें भी खिदमत करना सिखा। हमें यह नहीं देखना कौन सही है या कौन गलत है, हमने सबकी मुसाफिर परवरी करनी है ताकि हम और हमारा खानदान बरकत पाए और हम सबको जलाल का वसीला बना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावन ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावन की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891125248।